साथियों, आज इस संकट की घड़ी में बाबा साहब के चरणों में श्रद्धा को अर्पित करते हुए अपनी वाणी प्रारंभ करने से पहले एक अंग्रेजी काले कानून के खिलाफ ये युवा साथी हमारे जिस तरह से जागरूकता का परिचय दे रहे हैं, जिस तरह से कार्यक्रम का आयोजन किया है, उनके लिए जोरदार तालियां बधाई जानी चाहिए। तो अगर हम अपने हक अधिकार के प्रति इसी तरह चैतन्य हुए तो मोदी नहीं कोई भी सरकार आ जाएगी तो हमको नदियों से अलग नहीं कर पाएगी। अगर हम खा लेंगे तो नदियों से हमको कोई अलग नहीं कर सकता। लेकिन अगर हम हाथ से हाथ रख के बैठे रहे तो फिर हक उसी का मारा जाता है जो बोलता नहीं है। यहाँ तक कि माँ अपने बच्चों को दूर तभी पिलाती है जब बच्चा रोता है। इसलिए अगर एनजीटी से हमको तकलीफ हुई है तो हमको आवाज उठाना पड़ेगा। इसलिए हम बलवा उत्तरी की धरती पर इस तरह का आयोजन करने वाले अपने युवा साथियों को बहुत बहुत आभार ज्ञापित करते हैं। साथ साथ इस समय सोशल मीडिया पे जिस तरह से सक्रियता दिखा रहे हैं लड़के हमारे, ये साथी हमारे दिखा रहे हैं, इनके लिए मैं आभार दौर करता हूँ, उनको सलूट करता हूँ। सोशल मीडिया पे ऐसे भी आवाज साथी हैं जो यहाँ नहीं मौजूद है, भगवानीपुर के आपके गुरु प्रसाद निषाद जी हैं, वो बेचारे रात दिन सोशल मीडिया पे इसके बारे में लिख रहे हैं, वे जागरूकता का काम कर रहे हैं। आप सभी जितने भी इस कार्यक्रम के आयोजक हमारे गुरु निषाद मोर्च प्रमुख, हमारे जितेंद्र निषाद मोर्च ब्लॉक संयोजक, अन्य सभी डॉक्टर साहब, सभी साथियों को जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, बहुत बहुत आभार। मंच पर हमारे सभी सम्मानित माननीय सब लोग बैठे हैं, आप सभी का सम्मान आभार प्रकट करते हैं। यहाँ पे सुखद घड़ी में एकजुटता का परिचय दे रहे हैं और मैं चाहता हूँ इसी तरीके से सभी साथियों को इस काले कानून के खिलाफ विरोध करने के लिए सड़क पर उतरना होगा, गांव गांव जाना होगा। आज मैं आप लोगों के बीच में कुछ बातें रखना चाहता हूँ इसके संबंध में। उससे पहले थोड़ा सा हम आपको बैकग्राउंड बताना चाहते हैं कि आखिर आपकी ये दिनहीन दशा का कारण क्या है। यहाँ बात आई बलवा उत्तरी की तो आपको थोड़ा सा मोस्ट के बारे में भी बताना जरूरी है। मोस्ट संगठन जो बना है एम फॉर माना की, ए फॉर ओबीसी, एफ फॉर एससी, सी फॉर ट्राइब, मतलब कि ये पिछड़ी जातियों को, अनुसूचित जातियों को और माइनॉरिटी को, अल्पसंख्यक जातियों को संगठित करने और शिक्षा पे काम करने के लिए स्पेशली बनाया गया है। और उसी शिक्षा के अंतर्गत में इसी बलवा उत्तरी में 3 निःशुल्क कोचिंगें चलाई जा रही है। उन निःशुल्क कोचिंग चलाने वाले साथियों को भी आप हमें सलूट करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप जोरदार तालियों से उनका भी स्वागत करें। साथियों, हमारे बर्बादी का अगर मोदी ने हमारी ऊपर कुछ डाली है या सरकारों ने अगर हमारे ऊपर कुछ डाली है, उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि हमारे लोग शिक्षित नहीं है, हमारे लोग जागरूक नहीं है। जब जागरूक नहीं है तो उनको पता ही नहीं चलता कि किसके साथ संगठित होना है, कब संगठित होना है। हमारे भाई लोग अकेले एक जात से राजा बनने का ख्वाब देखते हैं, ताज की बात करते हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि लोकतंत्र में एक जात से कोई राजा नहीं बन सकता। इसलिए आपकी यही दुर्दशा का कारण है कि हम लोग ताज खोजते ताज खोजने के चक्कर में, हम लोग राजा बनने के चक्कर में आज ऐसी स्थिति आ गई है कि 200 मीटर से बाहर भगाने की नौबत आ गई है। 200 मीटर से बाहर भगाने की नौबत आ गई है। अगर इस तरह अगर न संगठित हुए तो आने वाली कौम, आने वाले बच्चे हम पर फूटेंगे। हमारे ये कहेंगे कि हमारे बाप दादा कितने बुजुर्ग थे, कितने कायर थे, जो नदियों के किनारे से हमको हटाया जा रहा था तो हमारे लोग आपस में उलझे हुए थे, आपस में लड़ रहे थे। साथियों, वक्त आ गया है, ये समय आ गया है। मैं आपको ये भी बता दूं कि शिक्षित होना आपको जरूरी है और शिक्षित होने के लिए आज जो दशा है समाज की अशिक्षा के कारण है। अगर अगली पीढ़ी आप सुधारना चाहते हैं
तो आपको गांव गांव निःशुल्क कोचिंग खुलवाना होगा, निःशुल्क कोचिंग बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान देना होगा। अगर बच्चों की पढ़ाई में कोई बाधा व्यवधान आएगा तो हमारा संगठन आपकी मदद करेगा। और हम चाहते हैं कि जिस तरह से बनवा उत्तरी में निःशुल्क कोचिंग खुली है, इसी तरह से सभी गाँव में निःशुल्क कोचिंग खुले। प्राइमरी के भरोसे पढ़ाई नहीं हो सकती। आप लोग जो पैसा पूजा पाठ पर खर्च करते हैं, जो पैसा देवी भवानी पर खर्च करते हैं, जो पैसा कथा धागो पर खर्च करते हैं, उसमें से कुछ पैसा निकाल करके आप बच्चों के पढ़ाई पर खर्च करें, या गांव में जो कोचिंग खोली जाए, गांव में जो कोचिंग खोली जाए उसके लिए 10-20 रुपया, 25 रुपया, 50 रुपया चंदा लगा करके बलवा उत्तरी की तरह आपको कोई नेता, कोई राजनीतिक दल का व्यक्ति, कोई प्रत्याशी आपसे बात नहीं कहेगा कि आप पढ़ाओ अपने बच्चे को, निःशुल्क कोचिंग खोलो, मैं मदद करूंगा। लेकिन आपका चांदा निषाद, आपका भाई आपसे वादा करके जा रहा है कि जितनी भी निःशुल्क कोचिंग खुलेगी आप अपने गाँव में व्यवस्था दीजिए, निःशुल्क कोचिंग खुलवाइए। अगर पैसा कम पड़ेगा पैसा हमारा संगठन देगा, पैसे अगर हमारे पास पैसा कम पड़ेगा तो मैं इन बच्चों के लिए भीख मांग करके पढ़ाई की व्यवस्था करूंगा। क्योंकि अगर ये बच्चे नहीं पढ़ेंगे, आने वाली काम हमारी और नष्ट होगी और बर्बाद होगी। और इसी तरह से सरकारें आएंगी, सरकारें हमारा हक और अधिकार को छीनने का काम करेंगी। साथियों, आपको पहली चीज शिक्षा पर ध्यान देना है, दूसरी चीज संगठित होना है। अगर आप सोचते हो कि अकेले एक जात से, सिर्फ निषाद समुदाय से अगर आप अपनी सरकार बनाने के लिए सोच रहे हो, ताज खोजना पाना चाहते हो, तो मैं राजनीति का पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक जात से लोकतंत्र में कोई राजा नहीं बन सकता। अगर लोकतंत्र में आपको अपना राजा बनाना है तो आपको समान विचारधारा वाली जातियों को साथ लेकर चलना होगा, उनके साथ तालमेल बैठाना होगा। और यहाँ मैं ये भी बता दूं, जो शोषक जातियां हैं, जो आपका शोषण करती है, वो आपके साथ कभी तालमेल नहीं बैठा सकती। आपके साथ जितने शूद्र हैं, ये आपके समकक्ष हैं, आपकी लड़ाई में या आपके शासन सत्ता की लड़ाई में अगर आप तालमेल बैठाते हो तो निश्चित रूप से ताज भी आपका होगा और राज भी आपका होगा। अगर आप तालमेल नहीं बैठा सकते, अगर आप अन्य शूद्र जातियों के साथ तालमेल नहीं बैठा सकते, तो आप इस बात को तय मानिए कि ऐसे और जब चुनाव नजदीक एक का समय आ जाएगा तो आपसे कह दिया जाएगा कि अपने कोई लड़ने लायक नहीं है, इसलिए फलाने का समर्थन कर दिया जाए। हम कहते हैं कब तक दूसरे का समर्थन करते रहोगे आप लोग, अपने में लड़ने लायक तक बनाओगे? क्या आप लोग क्षमता नहीं है? आज निषाद राज के संतान हो, आज बाबा भीमराव अम्बेडकर के संतान हो, आज लोग तो लड़ने लायक नहीं बना सकते, आज 70 साल से यही कहते चले आ रहे हो, हमारे नेता यही कहते चले आ रहे हैं कि अपने कोई लड़ने लायक नहीं है। मैं कहता हूँ आने वाले समय में लड़ने लायक बनाने के लिए हम लोग काम करेंगे। और इसी यही मंच के जो बैठे लोग हैं, यहाँ जो आए हैं, इसी में से विधायक सांसद प्रमुख और जिला पंचायत सदस्य बनाने के लिए तैयार किया जाएगा। कोई ऊपर से कोई आसमान से नहीं सीख के आता है, बस जब जिसको जनता का वोट मिलता है वही चुनाव जीतता है, वही राजा बनता है। तो राजा बनाने के लिए, लेकिन ये पक्की बात मानो, आप दिमाग में कटिया लो कि अगर आप अलग चमारो से अलग रहोगे, गणरिया नाव धोबी पासी से अलग रहोगे मल्ला हो, तो हमेशा चुनाव के दौरान कान में यही बात जाएगी कि अपने में कोई लड़ने वाला नहीं है, इसलिए दूसरे का समर्थन कर दीजिए। अगर आप लड़ने लायक बनाना चाहते हैं कि आज जब कोई बड़ा काम करते हैं तो आपको भाई जोहारना पड़ता है, और भाई जोहारने के लिए आपको खेत कटौनी देखनी पड़ती है, रजिस्टर देखना पड़ता है कि आपके पूर्वज आपके भाई कौन है। मैं वादे के दायरे के साथ कहता हूँ, जिस दिन आप रजिस्टर अपना देखोगे, जिस दिन आप कटौनी अपना देखोगे, उस दिन आपको एहसास हो जाएगा कि ये लोहार कहाँ कमार, अरे रंडिया नाव धोबी, ये सब आपके सगे भाई है। अगर न यकीन हो इनका DNA निकाल के मिला लो, इनका DNA टेस्ट कर लो, ये आपके सगे भाई है। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैंने अपने बाप दादा पुरुषों से चेतावनी को पढ़ा है, और उस चेतावनी में मैंने पाया कि जिनको हम कमार कह के दूर समझते हैं, जिनको हम लोहार कह के दूर करते हैं, वो हमारे सगे भाई है। और आगे की लड़ाई आप लड़ना चाहते हो, जो भी लड़ाई लड़ना चाहते हो, अपने सगे भाइयों को, अपने भाइयों को साथ लेके चलना होगा। जब तक आप अपने भाइयों में समन्वय नहीं कायम करोगे तब तक कोई लड़ाई आप जीत नहीं पाओगे। साथियों, दो बातें क्लियर हो गई
पहली चीज तो आपको शिक्षा पे ध्यान देना होगा और शिक्षा के ध्यान के लिए प्राइमरी का सहारा छोड़ो आप। हमारी तरह कुछ लोगों की तरह जो कान में पढ़ा रहे हैं, 2-4% बच्चे कान में पढ़ रहे हैं, हमारे 95% बच्चे गांव में पढ़ते हैं और ये बच्चे अगर पढ़ लिख करके कुछ हो जाएंगे यही हमारे आगे की लड़ाई लड़ेंगे, यही हमारे भविष्य है। इसलिए पहले शिक्षित करने वाले काम पे, शिक्षा के काम पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, विचार करिएगा। आप अपने गांव में निःशुल्क कोचिंग करवाना चाहते हैं, खुलवाना चाहते हैं, आप हमारे पदाधिकारी से संपर्क कीजिएगा, वो आपको बताएंगे किस तरह से आपको काम करना है। आप में जो भी सहयोग कमी होगी, हमारे साथ बड़े बड़े डॉक्टर इंजीनियर ऐसे जुड़े हुए हैं जो निःशुल्क रूप में आपकी मदद करेंगे। साथियों, मैं आपसे कुछ मांगने नहीं, लोगों ने 22 फरवरी को मीटिंग रखा, मीटिंग में हम लोगों ने तय किया कि अगर इससे समस्याओं पर विचार किया गया, इसके समस्याओं को देखा गया और जब ये देखा गया, ये लगा कि अगर ये कानून लागू हो जाएगा तो हमको एकदम से हमारी आर्थिक भी खत्म कर दी जाएगी। साथियों, में जितने लोग नदी किनारे हैं, मैं आज आपसे कह रहा हूँ, एक दिन आप नदी किनारे जाने का कल्पना सोच लीजिए, आज मुझे नदी नहीं जाना है। आप एहसास करेंगे कि आप बच गए हैं, कहीं कहीं आप बच गए हैं, जिसमें जिस आजाद पुरुषों को जमाने से जिसने दुनिया को सभ्यता दिया, जिसने तय किया गया कि अगर हम लोग भाई हम लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, हम लोग बहुत ज्यादा जो है अमीर नहीं है, लेकिन इस लड़ाई को हर हाल में लड़ना है, तो तय किया गया कि जान की बाजी हम लगा करके इस लड़ाई को लड़ेंगे और समाज के आम मानसान के लिए, समाज को उसके स्थान से सुरक्षित रखने के लिए तय किया गया कि भारी तादाद में हमें में आप सुने होंगे रोड जाम करना, धरना प्रदर्शन करना, इस तरह के कार्यक्रम या भूख हड़ताल इस तरह के कार्यक्रम बहुत सुने होंगे, लेकिन जन समाज का कार्यक्रम आप अनोखा है बहुत कम सुने होंगे। 2-1 जगह दुनिया में हुआ है, 2-4 जगह हुआ है। यह अनोखा इसलिए चयन किया गया कि थोड़ा अलग हटके रहेगा तो सरकार की निगाह जाएगी, दुनिया की निगाह जाएगी। साथियों, एक चीज और, आज हमारे भाई बहन सब बैठे हैं, हम तो दुनिया से मैं समर्थन चाहता हूँ, मैं मोदी जैसे बेईमान आदमी को भरोसा नहीं है, मुझे ये नहीं हटाएगा कानून को। हम दुनिया से समर्थन लेना चाहते हैं, हम संयुक्त राष्ट्र से समर्थन लेना चाहते हैं और ये तभी संभव होगा जब भारत के कोने कोने में सुल्तानपुर में इतनी संख्या हो जाएगी, सुल्तानपुर में इतने लोग खड़े हो जाएंगे कि पूरी दुनिया की मीडिया सुल्तानपुर को की तरफ जो है चौड़ा लगा देगी, पूरी मीडिया का फोकस जब सुल्तानपुर की तरफ हो जाएगा तब ये मैसेज पूरे दुनिया में जाएगा। इस पैटर्न पे काम करना चाहता हूँ कि अगर भारत सुल्तानपुर के या यूपी के मछुआ समुदाय के ऊपर अगर अन्याय अत्याचार हुआ तो हम अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी से अपनी मदद ले लेंगे, बात करेंगे, ये मैसेज मैं कहना चाहता हूँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। और इसके लिए जब अंतर्राष्ट्रीय दबाव पड़ेगा, संघ दबाव पड़ेगा मोदी के ऊपर, है मोदी तुम इतना गंदा काम क्यों कर रहे हो, तुम दुनिया में हम लोग बीच में आते हो तो बड़े लोकप्रिय बनते हो, लेकिन इन मछुआ समुदाय के लोगों को चौ नदी से बाहर करना चाहते हो, तब इनको झुकना पड़ेगा, तब एक काला कानून वापस होगा। साथियों, इसलिए हम इस व्यवस्था को करना चाहते हैं, जल समाज इसलिए करना चाहते हैं। और एक मैंने वादा किया है, प्रशासन से मैंने कहा है कि 50,000 लोगों के साथ चावलवाले साथ जल समाज लेंगे। और मैं चाहता हूँ और एक चीज, हमको नियम कानून का भी ध्यान देना है, नियम कानून का भी पालन करना है। अभी मैं थोड़ा सा एक बात बताऊँ, 14 फरवरी को हमारे साथियों ने 100 दिवस मनाया तो पुलिस वाले जाकर के उसको रोक दिए, कहें कि आप 100 दिवस फुटबॉल सीओ जाकर के उसको रोक दिए कि आप 100 दिवस के लिए परमिशन है क्या। तो हमके भाई परमिशन आदमी मेला खेला करता है, फिर त्योहार मनाता है, उसके लिए परमिशन नहीं होती, इसके लिए कैसी परमिशन। उन्होंने कहा परमिशन नहीं तो आपकी गिरफ्तारी होगी। हमने कहा बेशक गिरफ्तार करो, जो मैसेज मैं देना चाहता हूँ, मैं 14 फरवरी की डेट जिस दिन वीरांगना पूनम देवी ने 22 सुराचारियों को भूल डाला था, वो मैसेज मैं पूरी दुनिया को देना चाहता हूँ, वो मैसेज में आने वाली पीढ़ी को देना चाहता हूँ। अगर ये मैसेज अगर आप हमको जेल में डाल देंगे तो ये मैसेज देने का काम हमारे बजाय आप कर देंगे। और हुआ भी ऐसे जिस समय मुझे गिरफ्तारी हुई, जिस समय मैं पुलिस की जेल में बैठा, पूरे देश में ये बच्चों ने, ये लड़कों ने जो सोशल मीडिया पे पूरे देश में वायरल कर लिया और पूरे देश में ये हुआ कि श्यामलाल साहब गुरु जी की गिरफ्तारी क्यों हो रही है, ये पता चला
कि वीरांगना फूलन देवी दुनिया के सबसे बड़ी देवी जिन्होंने 22 द्रोणाचार्यों को एक लाइन में खड़ा करा करके 14 फरवरी 1981 को भागा था, उसी की याद में आज श्यामलाल गुरु जी सौ दिवस मना रहे थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। ये बैठक मैं फिर यहाँ बताना चाहता हूँ कि अगर आप संख्या में आओगे तो हो सकता है गिरफ्तारी हमारी हो या हमारे साथियों की गिरफ्तारी हो, यह भी हो सकता है कि चंद्र निषाद को 2 दिन पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाए, 6 जून से पहले गिरफ्तार कर लिया जाए, लेकिन सरकार जो कुछ भी करेगी तो रंजीत जी काले कानून का प्रचार करेगी। अगर समझ का रास्ता अपनाएगी तो फिर मैसेज छाएगा, तो फिर मैसेज छाएगा। सरकार जो कुछ भी करेगी, सरकार कुछ भी करेगी, मैं उससे डरने वाला नहीं हूँ, मैं मरने के लिए तैयार हूँ। सरकार अगर मारती है, अगर हमको जन समाज के लिए भी अगर दुहार नजदीक नहीं जाने देगी, हो सकता है ऐसी संभावनाएं हैं कि इलाज के लोग कर रहे हैं कि गुरु जी जल समाज में आप क्या करेंगे। हमने कहा कि जल समाज में क्या करेंगे, हम इसको पहले से नहीं बताएंगे, हम अगर पहले से बता देंगे तो फिर आप लोग उसी हिसाब से रणनीति बनाओगे, हम इसको पहले से नहीं बताएंगे, हम उसी दिन बताएंगे कि हम क्या करेंगे। ऐसी स्थिति पैदा कर देना है, ऐसी व्यवस्था पैदा कर देना है, ऐसा सिस्टम पैदा कर देना है कि सरकार मजबूर हो जाए, सरकार तरसनाश हो जाए, और सरकार जो विदेशों से चाहे जापान हो, जो जर्मनी हो, इटली हो, अमेरिका हो, इनसे जो मदद मिलती है, भारत सरकार को संयुक्त राष्ट्र संघ से विश्व बैंक से जो मदद मिलती है उस पे रोक लग जाए, तलवार लग जाए कि जब तक इनको नदी के किनारे वाला कानून वापस नहीं लोगे मोदी, तब तक तुमको विश्व बैंक से कोई मदद नहीं मिलेगी। ऐसी व्यवस्था हम चाहते हैं। मामूली लड़ाई और एक चीज है, मोदी और योगी भी बड़े जीती है, उसे आसानी से अगर आप सब लोग सोचो कि 100, 200, 500 लोग, 1000 लोग जा करके आप धरना दे दो, प्रदर्शन कर दो, तो मोदी योगी उससे डरने वाले नहीं है। साथियों, जो लोग कहते हैं कि कानून को वापस नहीं कराया जा सकता, मैं यहाँ जीता जागता उदाहरण हूँ। 2 अप्रैल 1919 को हम एक कानून सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था कि SC ST एक्ट के तहत गिरफ्तारी तभी होगी, पहले जांच होगी, फिर अवस्था का व्यक्ति जांच करेगा। इतना मात्र सुनते ही SC के निगरान साथी हमारे वो जो है कहे कि हम इसका विरोध करेंगे, और 2 अप्रैल 1919 को सड़क पे उतर गए। उसका उससे उतरने वाला मैं भी शामिल था, उनके साथ मैं भी था, और फिर मोदी सरकार ने उस कानून में सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय था, अक्सर ये कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय बदला नहीं जा सकता, लेकिन SC ST एक्ट इसका ताजा उदाहरण है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को मोदी ने बदला और फिर से पुरानी व्यवस्था SC ST एक्ट के लिए बहाल किया। तो साथियों, ये कहना कि हो नहीं सकता, ये हमारी विक्ट्री में नहीं है, ये कहना कि हो नहीं सकता, ये हमारी विक्ट्री में नहीं है। मैंने वादा कर दिया है कि अगर NDP रहेगा या तो श्यामलाल निषाद रहेगा, या तो NDP हटेगा या तो श्यामलाल मिट जाएगा, दोनों नहीं रह सकते। हम साथियों समर्थन चाहते हैं, आपका साथ चाहते हैं। मैं एक बात और बहुत स्पष्ट कर दूं कि हम लोग जो कुछ भी निर्णय लें, हमारे सभी साथी बहुत दुखी है NDP से, इस कानून से, लेकिन हम लोग जो भी निर्णय लें मिल बैठ के निर्णय लें, क्योंकि जब हम लोग किसी मुद्दे पर मिल बैठ के बात करते हैं, जैसे 22 फरवरी को हम लोगों ने निर्णय लिया, 22 फरवरी को हम लोगों ने निर्णय लिया इसका विरोध करना है, हम लोगों ने तरीका खोजा कि किस तरीके से विरोध करना है, तो सबसे सही तरीका सबसे और हमारा उद्देश्य मकसद ये था कि हम इंटरनेशनल में दुनिया को बताऊं, और दुनिया वाले जब देखेंगे नदी में पानी में घुसे हैं लोग, तो उनको एहसास होगा ये मछुआरा हो सकते हैं या नदी संबंधित हैं, इसलिए उस पर ध्यान दिया जाएगा। क्योंकि अगर मोदी इतना निश्चित, अगर मोदी को समाधान करना होता तो 90% मछुआ समुदाय का मोदी को गया है, लेकिन ये बेईमान इसकी मकानी देखिए कि हम जिन लोगों ने वोट दिया उसी को जो है बेघर करने से चुना हुआ है। अरे तुम मुसलमानों के खिलाफ कानून लाते, मुसलमानों ने तुमको वोट नहीं दिया है, निषादों ने तुमको 90% वोट दिया है। मोदी कहाँ जाओगे तुम 24 में, कहाँ जाओगे,
कैसे फिर सत्ता में आओगे? इतनी बड़ी गद्दारी, इतनी बड़ी मकाई, जिसने तुमको वोट दिया उसी को तुम बर्बाद करना चाहते हो, ऐसा हम हरगिज होने नहीं देंगे। साथियों, आपको एक बार और स्पष्ट करना है कि हम लोगों को तालमेल बैठाना होगा। बिना समन्वय के, बिना आपसी तालमेल के हम कुछ बोलें, आप कुछ बोलें, हम कुछ करें, आप कुछ करें, ऐसा अगर करते हैं तब भी हम लोग कमजोर हो जाएंगे। यहाँ मैं बहुत विनम्रतापूर्वक एक बात रखना चाहता हूँ कि हमारे बाप दादा आगरा पुरखा से अभी बात रखी ली गई, जितेंद्र निषाद ने इस बात को रखा भी कि अगर जांच कराई जाएगी, अगर कागज की बात आएगी तो आगरा पुरखा ज्यादातर लोग आज भी 90% लोग आबादी में बसे हैं या बंजर में बसे हैं, आबादी में बसे हैं, बंजर में बसे हैं। आपसे, आप में से पूछा जाए कि आप जहाँ बसे हो उसका घर कोई कागज है, आप में से 90% लोगों के पास कागज नहीं होगा। ऐसा मैंने दो चार गांव का सर्वे किया, दो चार गांव में पता लगाया तो पता चला गुरु जी जहाँ आगे बसे रहेंगे वहाँ बाप बच गए, जहाँ बाप बसे हैं वो बच गए, उनका बंजर है आबादी या काव हमका पता ही रहेंगे। तो ऐसी हालात में अगर हम लोग मुआवजे की मांग करते हैं तो नदी के किनारे जो ऊपर के जिन लोगों का खेत है उनके पास कागज होगा, लेकिन 90% आप सर्वे कर लेना अपने गांव में, अपने एरिया में सर्वे कर लेना, बलो स्तरीय सर्वे कर लेना, 95% लोग ऐसे होंगे जिनके पास कागज नहीं होगा, मतलब जहाँ वो फंसे हैं उसका कागज नहीं होगा। पहली चीज, दूसरी चीज, अगर हम मुआवजे की मांग करते हैं इसका मतलब हम कानून का विरोध नहीं करना चाहते, सिर्फ हम समर्थन कर रहे हैं, बोलो हम सिर्फ मुआवजा चाहते हैं। ताकि एक बार कल्पना करके देखो कि अगर मुआवजे भेज दिया जाए आपको 5% लोगों को, शेष लोगों का क्या हाल होगा, शेष लोग कैसे, वो कहाँ जाएंगे? इसलिए हमको मिल बैठ करके इससे, क्योंकि आगे अभी बड़ी बड़ी इससे वो होगी, मीडिया के लोग आएंगे, बड़े बड़े जो है कॉन्फ्रेंस हो गए, टीवी पे जो है इस पर चर्चा करेगी, तो हम लोग जो कुछ भी बात करें पहले उससे बैठ करके एक राशन लिया गया, इससे भी बहुत डिस्कस हुआ। कुछ लोगों ने कहा कि भूख हड़ताल किया जाए, कुछ लोगों ने कहा रोड जाम किया जाए, हमने कहा रोड जाम आप करोगे, आप सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के खिलाफ है, सुप्रीम कोर्ट ने सीधा निर्देश दिया है कि रोड जाम करना कानूनी अपराध है, आप रोड जाम करने की बात करोगे आपको उठा करके जेल में डाल दिया जाएगा, और हमारे ही लोग कहेंगे कि रोड जाम करे कौन जरूरत रही। तो रोड जाम करना ये उससे ज्यादा प्रभावकारी है ये, और मैंने असली मकसद, क्योंकि हर बार हर जगह नहीं बताई जा सकती, तो हमने असली मकसद, हम जो जन समाज का निर्णय, तो मैंने बात रखा मीटिंग में कि भाई हम जन समाज चाहते हैं, तो लोगों ने पूछा गुरु जी क्यों जन समाज चाहते हैं, हमने बताया कि हमको मोदी का भरोसा नहीं रह गया है। मैं इंटरनेशनल भाइयों की पुकार चाहता हूँ, और इंटरनेशनल जो देश है, इंटरनेशनल जो कंट्री है, जो दुनिया के अन्य देश है, उन तक बात पहुँचाना चाहता हूँ, और इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका जन समाज का है। और हमारे 90% लोग नदी में क्योंकि खेलते खाते हैं, हम लोगों का बचपन, हम लोगों का जो है मोटर कार है, क्या कहते हैं उसको, जो खिलौना सब कुछ नदी ही है, नदी का भावना खेल के हम लोग पकड़ते थे, नदी में डुबकी लगा करके हम लोगों का भाई स्विमिंग पूल हुआ करता था, उसमें हम लोग खेले हैं, खाए हैं, हम लोग पढ़े हैं, बड़े हैं, तो हम उस सिस्टम को दिखाना चाहते हैं। साथियों, ये बात पहले क्लियर हो जाए कि हम जो कुछ भी करें आपस में राय विचार कर लें, अगर कोई बात कहीं बोलें तो ऐसा ना हो कि हम कुछ बोलें, आप कुछ बोलें, आप कुछ बोलें, तो उसमें भी जो है, क्योंकि जब तक समन्वय कायम नहीं होगा आपस में, तब तक मामला सही नहीं होगा, तब ये फोड़ डालने का काम करेंगे। सरकार एक चीज और जानिए, सरकार पूरा कर्म नहीं चाहेगी, मोदी योगी पूरा कर्म नहीं चाहेंगे इस कानून को वापस लें, ये पूरी ताकत लगाएंगे, अपने एजेंटों को लगाएंगे, और अपने लोगों को पैसा दे दे करके, लालच दे दे करके, कुछ ठेकेदार लोगों को लगाएंगे, कुछ एजेंटों को लगाएंगे, इसा करके काम वाले साथ, या जो मोर समाज का जो कार्य जो चल रहा है इसको खत्म कराओ किसी तरीके से, इस तरह से भी काम किया जाएगा, ऐसे लोगों से भी सावधान रहना है। साथियों, हमको बहुत सावधानी पूर्वक शासन सत्ता के खिलाफ लड़ाई लड़ना है, और इस शासन सत्ता की निष्ठुरता से, इस निर्दयता को
हमको दुनिया में बताना है कि ये जो है काला कानून एनजीटी के नाम पर ये एक सिस्टम बनाना चाहते हैं। ये हमको नदी के किनारे से देखा करके कल को एनआरसीएस की एक के तहत हमको यहाँ से हटा। अभी तो हमारी पहचान है, अभी हमारी पहचान है कि नदी के किनारे हमारे आजा पुरखा दादा परदादा बसते चले आए हैं। न यकीन हो तो नाव का कीना देख लो या पुराने हमारे नामे देख लो, कहीं न कहीं आज भी है। लेकिन जब आप यहाँ से हट जाओगे आपकी पहचान मिल जाएगी और ताकत आपके पास नहीं होगा। आपको यहाँ का रिश्वत घोषित कर दिया जाएगा, सड़क भी घोषित कर दिया जाएगा, आपको नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। ये पक्का प्लान मोदी जी का है और उसमें वो चाहते हैं कि नदी के किनारे जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं वहाँ वो बाग लगवाना चाहते हैं। मतलब हम लोग को उतार करके वहाँ बाग लगवाना चाहते हैं, वहाँ बगीचा बनाना चाहते हैं। उस बगीचे में बड़े बड़े पूंजीपतियों के परिवार के लोग आयस करने आए, पैर करने के लिए आए, उनको ठेके पे देना चाहते हैं, उनको पट्टे पे देना चाहते हैं कि जाइए आपका इतना एरिया आपके जिम्मे हो गया, वहाँ आप आज आप सब कुछ नहीं होता है। घर आपके आप हड्डियाँ उठाते हैं, चले जाते हैं, सरपत काट लेते हैं, मूल काट लेते हैं, बांध भर के बेच लेते हैं, आपके जो बच्चे के चप्पल तैयार हो जाता है। अगर 200 मीटर से दूर कर दिया गया, 200 मीटर से दूर कर दिया गया तो बांध बेचने वाला जो व्यापार है, आधी आबादी जो हमारी बांध के सहारे पी रही है, हमारी माताएं बहने जो बांध के सहारे जीवन यापन कर रही है, हम खुद बाढ़ हमारे घर खुद बाढ़ में बेच बेच करके हम लोगों को दिया खिलाया गया है, उस पर ब्रेक लग जाएगा। साथियों कभी ऐसा होता है जब बाढ़ आती है, जब बरसता है तो हम लोग टांग जलती है, सारी झिकवा टांग जलती है, होती है बने मिल जाए। आप 200 मीटर दूर कर दिए जाओगे आपको पता ही नहीं चलेगा कि मथुरा मरग नदी में टांग गया आपका, कैसे पानी उठ गया। इसलिए तमाम निर्णय को सोचते हुए ये तय किया गया कि जल समाज सबसे प्राचीन रहेगा, सबसे महत्वपूर्ण रहेगा, सबसे इफेक्टिव रहेगा। और मैं इस मंच के माध्यम से हम उन साथियों से भी अपील करना चाहते हैं, उन साथियों क्योंकि हम लोग कितने भी हों सब एक है, संकट के समय में अगर हम एक नहीं हुए तो अस्तित्व मिट जाएगा। और मैं आश्वस्त अपील करना चाहता हूँ कि आप जो भी सुझाव दें, जो भी बात करें, वो बातें सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप सार्वजनिक सुझाव देंगे तो सरकार के पास भी जाएगी और सरकार जब उस बात को जानेगी सरकार उसके खिलाफ एक्शन ले। हमसे जैसे बहुत लोग पूछे कि आप जल समाज में क्या करेंगे, आप नहीं बताएंगे, आप अकेले हमसे पूछ लो बता दूंगा, लेकिन मीडिया सोशल मीडिया सामने नहीं बताऊंगा। इसलिए हम लोगों को जो कुछ भी करना है, जो लड़ाई को धारदार बनाना है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि इससे कुछ नहीं होगा, हम कहते हैं भाई मेरे बताओ इससे कुछ नहीं होगा तो किससे क्या होगा। आप कोई तरीका क्यों नहीं बताते, आप कोई प्लान क्यों नहीं बनाते। और मैं यहाँ हमारे बहुत सारे साथी राजनीतिक दलों से बयान करते हैं, मैं अपने सभी भाइयों से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप अपने नेता पर जोर मत डालो कि है नेता जी हम आपके साथ तभी रहेंगे जब एनजीटी के खिलाफ आप बोलोगे, अगर एनजीटी के खिलाफ नहीं बोलोगे हम आपके साथ नहीं रहेंगे, क्योंकि हमारा समाज हमारा साथ नहीं देगा तो आप फिर हमारे साथ हमारे हमको आप वैल्यू नहीं करेंगे। इसलिए हमारे समाज के लिए और इस लड़ाई को समझने के लिए तेलंगाना जब राज्य बन रहा था आप जानकारी कर लेना, पक्ष विपक्ष के सभी विधायक इस्तीफा दे दिए थे उन लोगों के, तो हम मैं अपने राजनीतिक दलों से जो जिस दल में है काम करें, बहुत अच्छी बात है, आप लोग आगे जाए तरक्की करें, लेकिन समाज के सम्मान की जब बात आए तो अपने नेता से कहिए, अपने मुखिया से कहिए, अपने विधायक से, और जिन लोगों ने विधायक और सांसद को वोट दिया दिलवाया है मैं उनसे भी अपील करना चाहता हूँ कि आप अपने सांसद से कहो कि सांसद जी से क्या कर रही हो आप, लोकसभा में क्यों नहीं उठा रही हो, मिसादों को वोट से मेनका गांधी की मिसादों को चुनाव जीती हो, आप क्यों नहीं ये घर बार बेकार किए जा रहे हैं, घर बार इनका जो है बर्बाद किया जा रहा है, चिन्ह लगाया जा रहा है, इनके ऊपर सब भविष्य में तलवार लटक रही है। मेनका जी आप कब बोलोगी, देवमणि जी से आप कहो, जिन लोगों ने देवमणि जी को वोट दिलवाया है देवमणि जी से कहिए
कि विधानसभा में मामले को उठाए कि निकाय समुदाय के ऊपर या नदी समुदाय नदी के किनारे जो भी लोग बचे हैं उनको वहां से निकाला ना जाए। और जो लोग और जितने भी जनप्रतिनिधि हैं मैं उनसे अपील करना चाहता हूँ, उनको मंच के माध्यम से बताना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि आप भी आप लोग सब लोग से झूठ के लिए प्रचार प्रसार करें और फिर झूठ को एक चीज और क्लियर हो जाए कि हम रोड नहीं काम करेंगे। हम थोड़ा लाइफ कालर है, कानून को ध्यान में रख के काम करते हैं। मैंने वो बात छोड़ बीच में छोड़ दिया तो 14 फरवरी वाले मामले पे कि मास्टर आप जो है बिना परमिशन कार्यक्रम कब क्यों कर रहे थे, हमने कहा बच्चे हैं कर रहे थे, तो कहे तो आपकी गिरफ्तारी हो गई, हम कहे ठीक है साहब। तो कुछ लोगों ने कहा कि शामलाल मास्टर ने बहुत बड़ी गलती कर दिया, बिना परमिशन के कार्यक्रम नहीं करना चाहिए था। मैं साथियों आपको बताना चाहता हूँ वीरांगना फूलन देवी के सौ दिवस योगी सरकार में आपको परमिशन नहीं मिल, कानून के खिलाफ लोहा ले ले। ऐसा नहीं है मैं नौकरी से नहीं करता, और नौकरी से करता होता तो यहाँ एनडीटी और मोदी खिलाफ बोलता ना। यहाँ ये भी बात है कि आपको नहीं पता होगा लेकिन जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ, जहाँ जहाँ हमारी मीडिया लगती है वहाँ वहाँ इलाहाबाद के लोग जाते हैं, इलाहाबाद के लोग उसको रिकॉर्डिंग करते हैं। अभी शाम तक मैंने जितना बोला है ये पूरी बात सुल्तानपुर से एलान के माध्यम से हर जगह जहाँ जरूरत होगी वहाँ पहुँच जाएगी। मुझे इसका कम नहीं है, मुझे इसका डर नहीं है। तो एलसीएम ने कहा हमारे कुछ नौसमत साथी वो कम समझ रहे हैं बात को, वो कह रहे हैं कि जल समाज से क्या होगा, ये जल समाज नहीं करनी चाहिए थी। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ आप हम लोगों ने एक निर्णय लिया 22 फरवरी को मीटिंग में निर्णय लिया गया और मीटिंग में सामूहिक रूप से निर्णय लिया गया कि जल समाज पर से अच्छा निर्णय है। मेरे साथियों मेरे भाइयों अगर आपको लगता है कि एनडीपी काले कानून को रोकने के लिए कोई दूसरा तरीका कारगर है तो मैं कहता हूँ आप आगे चलो, आप नेतृत्व करो, मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चलूंगा। भाई अगर वो हमारा तरीका नहीं सही है, आपको लगता है तरीका सही है तब तो उस तरीके में भी काम किया जाए। क्योंकि अभी आप देखे एनआरसी के विरोध में सीए के विरोध में सभी राजनीतिक दल सभी संगठन बहुत सारे संगठन विरोध कर रहे हैं, हमारा संगठन भी विरोध किया तरह तरह के तरीके, अभी आगे भी विरोध करेंगे लोग। तो अगर कोई कानून गलत है तो कोई जरूरी नहीं है कि वो काम हम अकेले करें, आप सबकी जिम्मेदारी बनती है लेकिन करना है कुछ न कुछ। ये नहीं कि आप जो है 5% की दुकान पे बैठ कर सिर्फ कमी बताओ या ये तो गड़बड़ कर रहे हैं। अरे भाई हम कह रहे हैं गड़बड़ है, मैंने बता दिया क्यों मैं इसको करना चाहता हूँ, मैंने तरीका बता दिया, मैंने वजह बता दिया। आप किस तरह से करना चाहते हो मेरे भाई, मेरे बाबा, मेरे दादा, मेरे काका, किस तरह से करना चाहते हो आप बताओ, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। और अगर आप नहीं नेतृत्व करना चाहते, नहीं नेतृत्व कर सकते तो मैं नेतृत्व करना कर रहा हूँ, मैं आगे कर रहा हूँ। पहले मैं समाज लूंगा उसके बाद आप समाज लेंगे, पहले मैं जेल जाऊंगा उसके बाद आप जेल जाएंगे, पहले हमारी जान जाएगी उसके बाद आपकी जान जाएगी। लेकिन अस्तित्व की लड़ाई के लिए आपको संघर्ष करना होगा, आपको साथ चलना होगा। मैं आपको बार बार ये बात आग्रह कर रहा हूँ, हम जुर्मन मुद्दे को लेकर के आए हैं आपके बीच में और इसलिए आए हैं कि अस्तित्व मिटने वाला है, हमारे खून खानदान का हमारे आदर पुरुषों की पहचान मिटने वाली है। साथियों ये सही है कि इससे सबसे ज्यादा प्रभावित निषाद समुदाय है, मछुआ समुदाय है, लेकिन अन्य जातियां भी जो इस काले कानून से प्रभावित है हमको उनको भी साथ लेके चलना है। इसलिए इस काले कानून को नष्ट करने के लिए जो है संगठित होना है। तो साथियों यहाँ हमको ये भी ध्यान देना है कि हमको अकेले एक जात के आधार पर हमको इस तरह के मतलब अपने को संकीर्ण नहीं करना है। हमको इस लड़ाई में अपने भाई बंधुओं को सूत्र है तो आपसे भाई है, मैं ये कहता हूँ इस बात को, इस बात की अपील करता हूँ मेरे सूत्र भाइयों इस संकट की घड़ी में आप हमारा साथ दीजिए, आप हमारे नेतृत्व को जो है समर्थन कीजिए। आपका जब तक जरूरत पड़ी है चाहे 2 अप्रैल ना हो 29
भारत मुक्त मोर्चा द्वारा उसमें मोर्च का समर्थन भी था। इसलिए साथियों हम चाहते हैं कि जिसका हमने हुल किया है, जिसका हमने साथ दिया है, वो भी साथी एनडीटी के मामले में हमारे साथ खड़े हों। और हम आपसे भी अपील करना चाहते हैं कि आप लोग भी अपने आसपास के जितने भी शुद्ध बिरादरी के लोग हैं उनसे आप करो। लेकिन लोहार कहाँ समा रहे गंगे नाव धोबी, इनसे कहना, इनसे जाकर के अपील करना कि भैया हो हमका संकट पड़ा हुआ, मोदी सरकार हमका निजात हुआ, हमारी मदद करा। तो कहीं मदद का मदद हो तो बता दे कि 6 जून से सुल्तानपुर सीता कुल तरह। और मैं चाहता हूँ कि यहाँ सुल्तानपुर के डीएम साहिबा को, सुल्तानपुर के कप्तान को पूरे देश की फोर्स मंगवाना पड़े, पूरे देश से बैरियर मंगवाना पड़े और गांव गांव रोकने के लिए जहाँ व्यवस्था करे ताकि लोग जाने न पाए। क्योंकि वो जितना ही रोकेंगे और जितना ज्यादा रोकेंगे, जितना ज्यादा प्रताड़ित करेंगे, उतना ज्यादा मैसेज दुनिया में जाएगा। तो आप लोग, लेकिन एक चीज और है, अब इसको मान करके मत बैठ जाना कि रोकने के लिए प्रयास होता है, एक बार ये घर से नहीं चले। क्योंकि वो भी राज्य से, वो भी राज्य से जानकारी कराते रहते हैं, जानकारी कराएंगे कि कितने लोग घर से निकल। ये जो कार्यक्रम हो रहा है, ये जो जिस तरह से विरोध प्रदर्शन हो रहा है, इसकी सूचना सब जो है जाती है। और जब आप लोग गांव वाले चर्चा करोगे, गांव वाले इस बात पर उबाल आएगा, गांव वाले जो है इस तरह से उबाल पैदा करो कि हम एनजीटी को नहीं लागू होने देंगे, किसी भी कीमत पर लागू नहीं होने देंगे, अपनी पहचान को बर्बाद नहीं होने देंगे। अगर इस तरह से आप चर्चा पर चर्चा गांव गांव करते रहो तो निश्चित रूप से इस कानून को हम लोग रोक लेंगे। सरकार कभी नहीं चाहेगी कि जब समाज का आंदोलन सफल हो वो हर अपन लाभ लाएगी तो गिरफ्तार भी कर सकती है। हो सकता है दोबारा मीटिंग में हम मौका न मिले, क्योंकि हर जगह गांव गांव मीटिंगों के लिए जो है आशा मर्द कुछ नहीं जा रहे हैं, देख ली जा रही है। गुरु जी हमारे यहाँ का बारे हमारे यहाँ हो सकता है बलो स्तरी में फिर हमको 2 महीने 3 महीने आने का मौका न मिले। इसलिए यहाँ हमारे जो भी आवाज साथी है, सोनू निषाद है, जितेंद्र निषाद है, डॉक्टर साहब हमारे अमरजीत जी है, और जितने भी सुरेंद्र निषाद जी, जितने भी लोग हैं हमारे भ्रष्टाचार विजय बहादुर जी है, जितने भी लोग हैं इनके माध्यम से आपको सूचनाएं पहुंचाई जाएगी। हो सकता है इनको भी गिरफ्तार कर लिया जाए, क्योंकि जब लड़ाई आसपास की होगी तो सरकार भी अपना पूरा दमखम लगाएगी। लेकिन सरकार को हमें दिखाएंगे कि कितना भी दमखम लगा लो हम पीछे हटने वाले नहीं है। और फिर अपने भाई बंधुओं को आप साथ लेकर के सुल्तानपुर जाओगे, एनडीटी के खिलाफ तैयार करोगे, ये सरकार भले इसका कार्यकाल है 2 साल 3 साल 5 साल, जैसा हमारे भी किसान भाई ने कहा इसका कार्यकाल है, हमको साथ साथ अगली रणनीति से भी काम करना है कि अपने भाइयों को, शुद्ध बिरादरियों को उनके दुख दर्द में शामिल होना, अपने में शामिल करना है, ताकि आने वाले समय में अगर मोदी अपने जीत रहे रहे, मोदी योगी अपने जीत रहे रहे, आने वाले समय में कितना का बटन दबाना है इसके खिलाफ, ऐसे बटन दबाना है कि मोदी और योगी वहाँ से ट्रक ट्रक जाकर बाहर पड़े। क्योंकि सत्ता में है, कुर्सी पे है, इसलिए कर रहे हैं। यही मोदी कभी चाय बेचा करते थे, यही योगी कभी जो है गोरखनाथ मठ में जो है धूल जमाया करते थे, आज हम लोग को उजाड़ने का काम अगर कर रहे हैं तो सत्ता के नाते कर रहे हैं, वोट के नाते कर रहे हैं। हम ऐसा संगठन बनाएंगे, ऐसे अपने भाई बंधुओं को संगठित करेंगे कि आने वाले समय में ऐसी सरकारों को, ऐसे फिक्र पाई सरकारों को आदर लगाने का एक और भी नहीं जाने देंगे। और इसके लिए भी हमको काम करना होगा। हमारे जो कितने निषाद भाई है, मैं पूरा ये बात कह रहा हूँ, मोदी को आप कितना भी खिंचाओ अकेले नहीं हटा सकते, आपको अपने भाइयों को साथ लेना होगा। लोहार कहाँ समाज इनको साथ लेना होगा। अगर आप इनको साथ लेते हो, इनको आप बताते हो कि भैया हमारे दुख दर्द में हमको मोदी इस तरह परेशान कर रहे हैं, तो उनको भी परेशान कर रहे हैं, आपको भी परेशान कर रहे हैं और मुसलमानों को भी परेशान कर रहे हैं। जितने जितने दुखिया दुखिया हो, जितने जितने दुखिया दुखिया हो, सब भाई भाई हो। एक नियम है कि दुखिया दुखिया भाई भाई, सब दुखिया दुखिया एक मिल जाओ, भारत में योगी को और 24 में मोदी को
बाहर करो और ऐसा सरकार बनाओ और जो सरकार बने उसको भी बता दो ये बच्चा अगर हमारे ऊपर जो है कुछ भी खटाने की कोशिश किए तो यही दफा तुम्हारी नहीं होगी। इसलिए नदी के किनारे जो नदी का अंग बन चुके हैं आदि और आजकल के नदी का अंग बन चुके हैं नदी तंत्र का हिस्सा बन चुके हैं उनको वहां से आप हटाने के बारे में मत सोचिएगा। साथियों एक बात और बता दूं ये कहते हैं प्रदूषण पैदा कर रहे हैं लोग इतनी फैक्ट्रियां जितनी फैक्ट्रियां गोमती नदी में आ रही है जितने सीवेज जितने आज गंगे पानी आ रहे हैं उनको आप रोकने का काम करिए। मोदी जी हम लोग जो है नदी के संरक्षण करते हैं नदी का संरक्षण करते हैं कहीं अगर गांव जो है मुर्दा कहीं लग जाता है उसको ठेलने का काम करते हैं बहाव और धारा को क्लियर करने का काम करते हैं। कितने बेईमान हो तुम लोग भी कितने मक्कार हो तुम हमको ये प्रदूषण का ही घोषित कर रहे हो और हमको वहां से प्रदूषण के नाम से हटाना चाहते हो मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं इसे जो है हर हाल में साथियों अगर कोई खेत में जाएगा सिंचाई करने तो निश्चित है कि पहले तो अपना जमीन पर ही रखेगा खेत में ही रखेगा और खेत में सिंचाई वाले के ऊपर आरोप लगा दिया जाए तो तुमने फसल को तैयार दिया भाई फसल तैयार भी उसने एक दो पेड़ हो सकता है पहले से नीचे पड़ गया। अब सेम वही कंडीशन है कि जिसने सदियों से नदी के किनारे जिसने सदियों से सभ्यता दिया दुनिया को सभ्य बनाया उसी को आज जो है प्रदूषणकारी घोषित किया जा रहा है। ये कानून हम कतई लागू नहीं होने देंगे। साथियों इसी के साथ अपनी बारी समाप्त करना चाहते हैं। पुनः उन साथियों को जो सोशल मीडिया पे या जो इस तरह से एनजीटी कानून के खिलाफ तैयार हो गए हैं विरोध कर रहे हैं संघर्ष कर रहे हैं मैं उन्हें सभी साथियों को सलूट करता हूं और मैं चाहता हूं कि इसे बलवा उत्तरी की तरह गांव-गांव गांव-गांव है इसकी एनजीटी कानून के विरोध में गांव-गांव जागरूकता अभियान चलाया जाए। कोई जरूरी नहीं है कि वो हर जगह श्यामलाल के साथ पहुंचे आप सब लोगों की जिम्मेदारी बनती है गांव-गांव जागरूकता अभियान चलाया जाए और उस जागरूकता अभियान में 6 जून को आगामी 6 जून को तिपली सीताकुंड में जल समाज के महत्व को बताया जाए और इसी बहाने पूरे शहर को जाम करके रखना है। हम ये बात मीडिया में नहीं बोलेंगे हम रोड जाम करना चाहते हैं लेकिन मकसद हमारा है कि शहर जाम होगा शहर जाम होना चाहिए। मैसेज और रिपोर्ट ये दुनिया में जाननी चाहिए कि सुल्तानपुर जीत का शहर सुल्तानपुर अस्त व्यस्त हो गया है। सब कारण पूछा जाएगा क्यों ऐसा हुआ है सब ये बताया जाएगा। साथियों इसके लिए आप सभी जवाब साथियों को इसमें आप में धर्म पैदा किया जाएगा आप में फूट डाली जाएगी क्योंकि शासन की मंशा होती है जब उसको लगता है कि आंदोलन बहुत मजबूत हो रहा है तो फूट डालने का काम करते हैं। हमको फूट डालने वालों को भी सावधान रहना है और जो भी साथी इस मुहिम में शामिल है उनका हौसला बढ़ाना है। एक कहावत है लम्हों ने सजा की थी सदियों ने सजा पाई। अगर आप चूक कर गए इस काले कानून के खिलाफ संघर्ष करने में आप चूक कर गए आने वाली पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी। आप कहीं किसी बाबू साहब के यहाँ छप्पर डाल के रहोगे किसी बाबू साहब किसी लैंडलॉर्ड के पास किसी पंडित जी के यहाँ जाकर के आप हाथ जोड़ोगे कि हमको भी एक बस्तर बचाने दिया जाए। साथियों इसी के साथ मैं अपने बारे समाप्त करता हूँ। जय हो जय मोह जय विचार जय सुंदर।